हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर हम करेंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कैसे ये हो सकता है, तो आइए दिखाता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर सबसे तो पहले आप डेट टाइम जो मॉड्यूल आता है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर यहां पर इंपोर्ट लिखिएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करेंगे डाउनलोड करने के बाद उसको, तो इंपोर्ट डेट टाइम। डेट टाइम लिखते वक्त आपको सावधानी बरतनी है कि ये डेट टाइम स्मॉल में होना चाहिए, और फिर यहाँ पर लिखिएगा डेट और फिर लिखिएगा क्या टाइम, और फिर यहाँ लगाइएगा अंडरस्कोर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो ये लिखा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेट डीएटी टाइम डॉट डॉट लगा लीजिएगा, और फिर यहाँ लिखिएगा डेट टाइम, ठीक है। और चूंकि हम करेंट का टाइमिंग पता करना चाहते हैं तो यहाँ नाउ लिख दिया है, और अब यहाँ पर हमको प्रिंट क्या करवाना है, यहाँ पे लिखा पहले प्रिंट, प्रिंट का पी स्मॉल रहेगा ये ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे लिखेगा डेट टाइम, डेट टाइम, और यहाँ पे दे देता हूँ ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसी नाम से बनाया है हमने, तो ये इस तरीके से हमने दे दिया। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर टाइम जरूर लिख दीजिएगा, डेट टाइम जब हो जाएगा तो फिर यहाँ पर लगाइएगा, ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पे डेट टाइम डॉट डेट टाइम लिखना है आपको इस तरीके से, ठीक है। और फिर यहाँ डॉट नाउ लगाइएगा, डॉट नाउ, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में डॉट नाउ लगाइएगा, तो ये आज का करंट टाइमिंग बताएगा, ठीक है। तो अभी अगर F5 करके इसको चला देता हूँ तो देखिए यहाँ पर करंट टाइमिंग, आज कितना तारीख है मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैलेंडर में, देखिए आज 16 तारीख है, अप्रैल है 2023 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 16 तारीख है, अप्रैल है 2023 है, और साथ ही साथ टाइमिंग भी शो हो रही है, तो टाइमिंग भी आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये 13:49 हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी सेम 13:49:26 और यहाँ पर पूरी सारी डिटेल आपको शो हो रही है, ठीक है। इसके लिए आपको इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट से, देखिए मैं प्रोसेस भी बता देता हूँ आपको कैसे कैसे ये करना है। यहाँ पर आप जाइएगा पाइथन की जो लोकेशन है जो आपकी फाइल की, देखिए ये हमारी पाइथन की फाइल है जो आइडियली हमने डाउनलोड किया है, उसकी लोकेशन पे जाना है, और लोकेशन से यहाँ से ये पाथ कॉपी कर लेना है, ठीक है, ये पाथ कॉपी कर लेंगे इस तरीके से। ये जब पाथ कॉपी हो जाए तो अब कहाँ आना है, अब आपको एडमिनिस्ट्रेटर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, मैंने ऑलरेडी ओपन करके डाउनलोड किया, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेगा सीएमडी, और सीएमडी में जाकर के ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है, यहाँ से जाकर के इसको एडमिनिस्ट्रेटर से रन कीजिएगा। जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ आपको लिखना है सीडी, और यहाँ इसी को पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करके एंटर करके नीचे आना है, तो ये आपको सीधा सीधा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आके ये आपको टाइप कर देना, क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये चूंकि पहले से इंस्टॉल है, देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो आपको यही कमांड टाइप कर देना, इस तरीके से लिख देना है, और लिख देने के बाद ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर आपको जो प्रोसेस मैंने बताया वो आपको करना, यानी ये वाला कोड आपको एंटर करना, ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।